शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कीर्ति, कीर्ति, आज ऑफिस में बहुत काम, थक गया हूँ। अब कुछ चाय पानी तो पिला दो। हम आपसे नाराज हैं और आपको चाय पानी की पड़ी है। आपने हमारा नया एड्रेस देखा ही नहीं? हाँ, वाकई बहुत अच्छी एड्रेस है। अब एक कप चाय मिलेगी, प्लीज। वरुण जी, इतने तैयार होके इतनी अच्छी ड्रेस पहन के हम किचन में जाएं? हमारा ड्रेस नहीं खराब हो जाएगा? हमने बना रहे चाय, और चाय पीने की क्या जरूरत है? तैयार होना, हमारे दोस्त आ रहे हैं। चलिए उठिए, उठिए, चलिए। पर कीर्ति, पर वर कुछ नहीं वरुण जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारे दोस्त आ ही रहे होंगे। और वैसे भी आज की दावत ना बहुत शानदार होने वाली है। आप अभी भी यहीं खड़े हैं, कभी भी आ जाएंगे वो लोग। चलिए जाइए, जाइए, तैयार होइए, चलिए जाइए। अच्छा वरुण जी, ये बैग तो ले जाइए, यहीं पड़ा रहेगा, लेके जाइए। हाँ, सॉरी। श्रद्धा जी, थोड़े हाथ पैर दबा दो जी। अरे अरे अरे, बहुत खुश लग रहे हैं। किस बात की इतनी खुशी है भाई जी? मेरे काम का पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया है श्रद्धा जी। क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे आपको नहीं लगता है कि इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा होना चाहिए जी? चलिए जी। इस वक्त कहाँ जाएंगे? आइसक्रीम खाने जी, बहुत मन कर रहा है जी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आइसक्रीम खाने के लिए थोड़ी देर हो गई है जी? अरे श्रद्धा जी, मैं हूँ ना, आप फिक्र मत करो जी। और ऐसे भी घर वाले सोने की तैयारी कर रहे हैं जी। नहीं अभय जी, मम्मी जी बुरा मान गई तो? मैं चुपके चुपके बाइक निकालता हूँ, तुम फटाफट नीचे मिलो जी, जल्दी आना जी। चलो जी, अब ये खबर तो तुम्हारी सासू माँ तक पहुँचाना पड़ेगा श्रद्धा जी। क्या क्या बात कर रही हो सोनिया? इन लोग इतनी रात में आइसक्रीम खाने गए हैं, इनका दिमाग तो ठीक है या तुमने ठीक से सुना नहीं? हाँ आंटी जी, आपकी बहू जो सबके सामने इतनी सीधी बनती है ना, अंदर से पूरी गोल गोल जलेबी है वो। पहले तो कैसे आपसे पूछ के जाती थी सब कुछ, अब देखो अपनी मन मर्जियां चलाने लग गई है वो। वैसे ये खबर बिल्कुल पक्की है। अरे इतनी जल्दी आप लोगों को खबर मिल भी गई? अरे आप कौन सी खबर ऋतु? अभी बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, पड़ोसियों का फोन आया था। वरुण के घर पे ना बहुत बड़ी महफिल जमी थी और इतने जोर जोर से गाने बज रहे थे, आसपास वालों की नींद हराम करके रख दी इन लोगों ने। किसी ने गुस्से में थाने फोन कर दिया, पुलिस आ गई है उसके यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए। क्या पुलिस? हे भगवान, बंद करो सब। वरुण त्रिपाठी कौन है? जी सर, मैं हूं। तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है,
बाहर आओ, बात करनी है। आप सभी बाहर आओ, चलो। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। नहीं खाना हमें। ये सब सुन के ही ना हमारा पेट भर गया, और इस घर को छोड़ के हम इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। अब ये मुझे पसंद है, ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो आइसक्रीम की दुकान, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो वहां से। जी अभय जी। पड़ोसी ने शिकायत की है आपके खिलाफ, इतनी रात को शोर शराबा करना कानूनन अपराध है, समझ में आता है? पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सब बताना पड़ेगा। चलो थाने, जश्न वहीं मनेगा। सर प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सर ये लोग सुधरने वाले लोगों में से नहीं है, जब मैंने इस लड़की से बोला कि आवाज कम करो, लोगों को सोना है, तो उल्टा मुझ पे ही टूट गई। सर एक आध दिन हवालात की हवा खाएंगे ना, इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, बदतमीज और जाहिल है। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। नीतू क्या हुआ? भैया अभी अभी हमारी सहेली का फोन था कि वरुण के यहाँ पे बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। क्या क्या हुआ? हाँ भाभी पुलिस आई है उसके घर पर और थाने लेकर जा रहे हैं उसे। हे भगवान ये क्या हो रहा है हमारे बेटे के साथ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हमारे बेटे से कोई गलती हुई? ये आप अपने बेटे से ही पूछिए, आधी रात को इसने क्या गलती की? आधी रात को शोर शराबा कर रहा है बाजा बजा के, सारे मोहल्ले वालों का नींद हराम कर रखा है। 10 बजे के बाद बाजा बजाना, शोर शराबा करना अलाउ है? जुर्म है ये, सिखाना तो पड़ेगा ही। इंस्पेक्टर साहब बच्चे हैं, इनकी गलती नजरअंदाज कर दीजिए, माफ करके छोड़ दीजिए ना प्लीज। बच्चे हैं ये, आप इनके मम्मी डैडी हो, मम्मी डैडी हो तो अच्छे से संस्कार देते ना फिर। इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, थाने तो लेके जाना ही पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए कीर्ति को, शर्म से आंखें चुकाने की जगह घमंड से नाक फुलाकर खड़ी है नकचढ़ी। छोटी बहन तो छोटी बहन, और बड़ी बहन भी ना आधी रात को अभय को बाहर घुमा रही है। सब 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 बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, एक काम करते ले देकर मामला रफा दफा कर देते। रितु हम बात कर रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, हम वरुण के पिता हैं, हम हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। भाई साहब ऐसे हाथ जोड़कर आप हमें शर्मिंदा ना करें, आपकी खातिर आज इन्हें छोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर साहब हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं।
और इनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर दोबारा हुआ ना तो तुम्हारा बाजा सीधा लॉकअप में बजेगा। मटकाने से और नाक फुलाने से जिंदगी नहीं चलती। इसी घर और परिवार को तुम दोनों लात मार कर आए थे और देखो वही परिवार अंत में तुम लोगों को बचाने के लिए आया। ये तो हम थे जिसे सबको उठाया और सबको यहां लेकर आए, वरना आज तो तुम दोनों की दावत जेल में पक्की थी, समझो। तो वापस भी कीजिए अभी। थैंक यू पापा, आज आपने हमें बचा। चलिए नैना जी, आज का तमाशा यहीं पर समाप्त हुआ। से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।